हेलो, मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? तो आज की रेसिपी ना बहुत कम तेल, बहुत कम टाइम और बहुत ही कम मसाले में बन के ये रेसिपी तैयार हुई है। तो इस तरीके से आप लोग ज़रूर एक बार बना के ट्राई कीजिएगा। तो चलिए आज की रेसिपी को हम शुरू करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 1/2 kg परवल रखा है। ये काफ़ी फ्रेश परवल है, तो इसे मैं छील लेती हूँ। पहले इसके छिलके निकाल लेती हूँ। इसके छिलके निकालने से क्या होता है ना कि परवल बनाने के बाद भी हार्ड नहीं होती, वो सॉफ्ट ही रहती है। नहीं तो कई बार छिलके नहीं निकालेंगे ना तो परवल हार्ड लगने लगती है, चाहे आप कितना भी फ्राई कर लो। इसलिए इसे आप छिलके निकाल के ही बनाना। तो ये परवल अभी बहुत ही कच्ची है, इसलिए मैं यहाँ बीचों बीच इसे कट कर लेती हूँ। काफ़ी छोटी भी है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। तो इसी तरीके से हम सभी को छील लेंगे, उसके बाद हम कट करके वॉश कर लेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 मीडियम साइज के प्याज को ऐसे ही रफली चॉप कर लिया है। तो यहाँ पे 4 से 5 मैंने आलू को भी अच्छे से बॉईल कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई को गरम कर लिया है। इसमें डालूंगी रिफाइंड ऑयल तकरीबन 1 बड़ा चम्मच। इसमें हम सिर्फ परवल को फ्राई करेंगे, सब्जी बनाएंगे नहीं। फ्राई करने के लिए रिफाइंड ऑयल मैंने यूज़ किया है। तो देख रहे हैं कैसे तेल छिटक रही है। यहाँ इस स्टेज पे आप चाहे तो ढक ले इसे। यहाँ पे थोड़ी सी ना मैं 1 पिंच के जितना नमक ऐड करूँगी ताकि परवल हमारी सॉफ्ट हो जाए, गल जाए अच्छे से फ्राई होते समय। तो यहाँ पे देखिए परवल हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब ये मत कहिएगा कि ये जल गई है, जली नहीं है। फ्राई होते समय थोड़े से तले में लगी जाती है परवल। यहाँ पे मैंने सब्जी बनाने के लिए सरसों के तेल का यूज़ किया है। यहाँ पे सिंपल सा तड़का मैंने डाला है, सिर्फ तेज पत्ता और एक कश्मीरी लाल मिर्च। यहीं पे जाएगा प्याज। आप तड़के में चाहे तो जीरा भी ले सकते हैं, अदरक भी ले सकते हैं, लेकिन अभी काफ़ी गर्मी है ना, गर्मी में लोग स्पाइसी खाना पसंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने बहुत ही सिंपल सी रेसिपी रखी है। तो यहीं पे जाएगा तकरीबन 1 बड़ा चम्मच नमक। प्याज हमारी अच्छे से गल जाए, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो इसे हम चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्याज हमारी गुलाबी हो गई है। अब यहाँ पे जाएगा हमारा 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी हम चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। यहीं पे जाएगा अब हमारा मसाला, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा मिर्च पाउडर। यहीं पे मैंने 1/2 चम्मच तीखा वाला मिर्ची डाला है। यहाँ पे जाएगा 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। तो यहीं पे जाएगा अब हमारा 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो ये सिर्फ कलर के लिए है, यहाँ पे मैं ज़्यादा स्पाइसी सब्जी नहीं बना रही हूँ। आप चाहिए तो यहाँ पे आप तीखा की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे 1/2 कप के जितना मैंने पानी ऐड किया है। पानी ऐड करके मसाले को अच्छे से ढक के हम 5 से 6 मिनट पका लेंगे। तो यहाँ मसाले हमारे अच्छे से भून रहे हैं। अब यहीं पे डालेंगे हम टमाटर। यहाँ पे मैंने 2 छोटे साइज़ के टमाटर को ऐसे रफली चॉप करके डाल दिया है। अब इसे हम ढक के पका लेंगे। तो यहाँ पे मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं, तेल छोड़ना शुरू हो गया है। तो यहीं पे जाएगा हमारा सारा सब्जी। मैंने आलू को कट नहीं किया है, ऐसे हाथ से रफली तोड़ लिया था इसे। मेरे बच्चे को ऐसे तोड़ के आलू बहुत पसंद आते हैं, उन्हें गोल गोल लगते हैं ये आलू, तो बहुत अच्छे से बहुत चाव से खा भी लेते हैं। तो आप चाहे तो यहाँ पे आप नाइफ से कट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 1 ग्लास के जितना पानी ऐड करूँगी सब्जी को भूनने के लिए। और इसे हम ढक के 5 से 7 मिनट तक अच्छे से भून लिया है मैंने। सब्जियों ने तेल छोड़ने भी शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पे तरी के हिसाब से पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं तकरीबन 1 ग्लास
तक पानी ऐड करूंगी। तो यहाँ पे ना आपके पास अगर धनिया पत्ता है तो आप धनिया पत्ता भी डालिए। मेरे पास यहाँ पे धनिया पत्ता नहीं था अभी, तो यहाँ पे मैं कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी। और अब हम इसे ढक के 5 से 6 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे पका लूँगी। तो एक बार हम सब्जी को चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए सब्जी हमारी कैसे खोल रही है, एक उबाल आ चुका है सब्जी में। तो इस स्टेज पे हम करेंगे गैस को बंद। तो अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पूरी देखने के बाद अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के लिए प्लीज़ एक लाइक, और ऐसी बहुत सारी रेसिपीज देखने के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बन के तैयार हो गई ना, कितने कम तेल और कितने कम मसालों में। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।